जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख को क्यों लिखना पड़ रहा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र? ऐतिहासिक सुनहरी मस्जिद जो लुटियंस दिल्ली में मौजूद है, क्यों उसको गिराने की हो रही है तैयारी? देश में लगातार एक एक करके कभी मजार तो कभी मस्जिदें गिराई जा रही हैं। ऐसे ही दिल्ली में स्थित 200 वर्ष पुरानी सुनहरी मस्जिद को क्या गिराने की तैयारी कर रही है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद? इसी को लेकर जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी ने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को पत्र लिखा है और अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि एनडीएमसी ने मस्जिद सुनहरी बाग हटाने के संबंध में जनता की राय मांगने वाली अधिसूचना जारी की है। साथ ही कहा है, हम समझते हैं इस कार्यवाही से हमारी साझी विरासत को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। मतलब ये कि एनडीएमसी पब्लिक से पूछ रहा है कि क्या हमको ये मस्जिद हटा देनी चाहिए। ये मस्जिद देश के प्रमुख स्थान पर 200 वर्षों से मौजूद है, जो हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की गवाह रही है। हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल है। अपनी सुंदरता और भव्यता के साथ निर्मित ये मस्जिद न केवल आसपास के लोगों के लिए इबादत की जगह है, बल्कि एक गौरवशाली विरासत का भी महत्व रखती है। मस्जिद सुनहरी बाग को हटाने से देश को काफी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, अक्टूबर 2009 में जारी अधिसूचना के अनुसार ये मस्जिद ग्रेड 3 के धरोहर में शामिल है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वयं इस मामले का संज्ञान लें और मस्जिद सुनहरी बाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएं। हमें विश्वास है कि इस मामले में आपका हस्तक्षेप इस देश की संस्कृति पहचान की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती देगा। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि मस्जिद सरकार के हर निर्देश का पालन करती है। संसद सत्र के दौरान मस्जिद में सामूहिक नमाज का आयोजन नहीं किया जाता है। मस्जिद के कारण यातायात प्रभावित नहीं होता है। एक दिन पहले ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सुनहरी बाग मस्जिद हटाने के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे थे। एनडीएमसी के मुख्य वास्तुकार की ओर से इस बारे में नोटिस जारी किया गया था। उनका कहना है कि देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और सरकार इसको जानबूझकर मुद्दा बना रही है, जिससे 2024 के चुनावों में इसका लाभ उठाया जा सके। लेकिन अगर हम मस्जिद की लोकेशन देखें तो ये मस्जिद संसद भवन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों के घर भी मौजूद हैं। बहुत से नेता इसमें आकर नमाज भी पढ़ते हैं। इसको लेकर लोगों से राय मांगी गई है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अभी तक इसको लेकर 300 मेल्स तक आ चुके हैं कि इसको किसी और जगह स्थानांतरित मत करिए, ये एक धरोहर है। अरशद मदानी जमात उलेमा ए हिंद एक्स पर पोस्ट करते हैं कि हम लीगल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये साजिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद के निर्णय के बाद से सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत बढ़ गई है। इनकी आंखें हमारे धार्मिक स्थलों पर हैं। हम हर कदम उठाएंगे अपनी मस्जिद को सुरक्षित करने के लिए। प्रशासन को इलीगल हरकतें करने से बचना चाहिए। तमाम मुस्लिम संगठन एनडीएमसी के प्रमुख को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं एनडीएमसी ने मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी करते हुए हवाला दिया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, जो चाहती है कि उस इलाके में यातायात में कोई दिक्कत ना आने पाए। वो कहते हैं कि गोल चक्कर पर यह मस्जिद आती है और यह काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, इसलिए एनडीएमसी ने इस मसले पर लोगों की राय लेने का फैसला लिया है। ये सुझाव 1 जनवरी शाम 5 बजे तक लिए जाएंगे। इसको लेकर इतिहासकार इरफान हबीब एक्स पर लिखते हैं कि सुनहरी बाग मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, यह इतिहास है स्वतंत्रता सेनानियों का जो इस मस्जिद से जुड़ा है। हसरत मोहानी संविधान सभा के सदस्य सभाओं के दौरान यहाँ ठहरा करते थे। हसरत मोहानी वो ही हैं जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और पूर्ण स्वराज 1920 के कांग्रेस रेजोल्यूशन के पीछे भी थे। तब उनको TA और DA दिया गया था। तब उन्होंने बोला था कि ये आज़ादी की लड़ाई मैं पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे खाने का खर्चा मस्जिद से आता है। उनके बारे में दिलचस्प बात यह भी है कि वो पार्लियामेंट भी तांगे पर या फिर साइकिल से जाया करते थे। यहीं पर इस मस्जिद को लेकर वक्फ बोर्ड भी दावा करता है कि यह हमारी संपत्ति है। वहीं NDMC कहता है कि यह जमीन सरकार की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वक्फ बोर्ड की याचिका पर विचार किया है। कोर्ट ने 7 जुलाई को अंतरिम आदेश दिया है कि मस्जिद को लेकर यथास्थिति बरकरार रखी जाए और 18 दिसंबर को सिंगल बेंच जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केस को खत्म करने का फैसला लिया है।
क्या इसी तरह से मस्जिद हटानी चाहिए, क्योंकि अगर मस्जिद ऐसे पब्लिक से पूछ कर हटाई जाएगी तो न जाने कितनी मस्जिदें और मंदिर देश से हटा दिए जाएंगे। एक तरफ लोग बहुत उत्साहित हैं कि राम मंदिर बनने जा रहा है, एक तरफ दुखी भी हैं कि मस्जिद गिराने की बात चल रही है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपके लिए लिखी थी मृदुल ने और मैं हूँ हेमंत। बाकी की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मॉलिटिक्स को। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।